यहाँ रात के 1:30 बज रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे आंखों से लग रहा होगा मैं सो गई थी। टुक टुक भी यहाँ पे सोई हुई थी, लेकिन टुक टुक यहाँ पे जग गई हैं और खाना मांगने लगी 1:30 बजे रात को, क्योंकि शाम में ये जल्दी सो गई थी इस वजह से उठ गई हैं अचानक से। और शाम में दूध और खाना दोनों मैंने खिलाया था इनको, लेकिन फिर भी टुक टुक जग गई है मेरी, मेरी टुक टुक जग गई है। और यहाँ पे मैं इनको खाना खिला रही हूँ, यहाँ बैठ के मैं खाना खिला रही हूँ। मैंने अपने लिए बनाया ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, और टुक टुक को खाना खिला रही हूँ। और शाम में टुक टुक खाई थी, और इस वक्त मोबाइल दिखा के मुझे खाना खिलाना पड़ रहा है। ऐसे नहीं खा रही हैं, कह रही है मोबाइल चाहिए। बच्चों की जो ये मोबाइल वाली लत लग गई है ना, बड़ा दिक्कत हो गया है, छुड़ाना है मुझे टुक टुक से। और ये शाम को तो सो के अपनी नींद पूरी कर ली अचानक से, आज पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे ख्याल से 6 महीने बाद ऐसे जगी हैं टुक टुक। नहीं तो जानते हैं, ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, लीजिए ये खाइए टुक टुक, ये खाइए। बाबू खाना खा रहा है, बाबू खाना खा रहा है, मोबाइल देख के खाना खा रहा है इतनी रात में। ओह गॉड, तो इस वक्त 1:30 बज रहे हैं। मम्मा लोगों को परेशान होना ही पता है अपने बच्चों के लिए। अगर बच्चे उठ जाते हैं कि मम्मा भूख लगी है, तो मैं बिस्किट वगैरह खिला सकती थी, बट नहीं सही लगता है, मुझे अंदर से नहीं अच्छा लग रहा था। तो भूखी तो कही कि टॉयलेट वगैरह गई, पानी वगैरह पी, मैंने कहा दूध पी लो, तो कही कि नहीं मुझे खाना खाना है, और खाना खाना है प्लस रोटी भी ख़त्म हो गई थी। तो आटा थोड़ा सा बचा हुआ था, फ्रिज में रखा गया था, जितने लोगों ने खाया था उतना ही बना था, और एक एक्स्ट्रा गाय के लिए रोटी थी वही बची हुई थी, तो गाय की रोटी क्या देती। तो मैंने फ्रिज से आटा निकाल करके टुक टुक के लिए रोटी बनाया फटाफट से, एक रोटी सेका है मैंने, ताकि यहाँ दिखा होगा आपको, एक रोटी सेका मैंने इनके लिए ताकि ये खा लें। माँ का दिल नहीं मानता है ना, बच्चे अगर रात को 2 बजे भी 2:30 बजे भी उठ के कहे तो माँ को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन ये खा करके 7:30 बजे खा के टीवी देख के सो गई थी, मतलब उसके बाद फिर उठी हैं अभी 12:30 बजे, तो दूध दिया गया है, दूध पिए हैं, और अब इस वक्त 1:30 बज रहा है, सब लोग सो गए हैं। बाहर के देखेंगे ना आप तो बाहर एकदम, मैं आपको दिखाती हूँ, सब लोग सो चुके हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, सब लोग सो गए हैं, देखिए लाइट्स बंद है, रात है, और मेरा बच्चा जग रहा है इस वक्त, और मैं यहाँ पे आके बैठ के इनको खाना खिला रही हूँ करना, तो खाना खिला के फिर मैं इनको सुलाने की कोशिश करूँगी, देखते हैं सोती हैं कि नहीं। वैसे मुश्किल है, 2 बज जाएंगे इनको सोते सोते, क्योंकि शाम को जो ये नींद पूरी कर ली है, शाम में अगर बच्चे सो जाते हैं तो फिर दोपहर में भी सोई थी, लेकिन शाम में भी सो जाते हैं बच्चे ना, तो फिर रात में लेट ही में सोते हैं, 2 बज जाता है, 2:30 बज जाता है ऐसे। और ये 6 महीने बाद मेरे साथ हो रहा है ऐसा। खाना कौन खाएगा, खाना कौन खाएगा, कुछ खाएगा खाना, मोबाइल नहीं देखते हैं, मोबाइल नहीं देखते, मोबाइल देखने से आँख ख़राब हो जाती है ना। नहीं देखो बैटरी भी बैठ गया, रात हो गई है ना, नानू सो गए हैं, नानी सो गई, मामा सो गए हैं, सब कोई सो गए हैं ना। और हाँ इस वक्त प्रिंसी जग रही हैं, वो पढ़ रही हैं दूसरे वाले रूम में, पढ़ रही थी यहीं पढ़ रही थी, लेकिन टुक टुक जग गई तो मैं यहाँ पे आ गई, और वो दूसरे वाले रूम में जाके पढ़ रही है। तो यहाँ पे रिद्धि रेडी हो गई है, बस अब हम लोग खाना वगैरह खाने के बाद, और टुक टुक को मैं रेडी कर दूँगी नहला करके, तब उसके बाद हम लोग निकलेंगे सुल्तानपुर के लिए। वैसे ही 3 बज जाएगा निकलते निकलते। तो यहाँ पे रिद्धि अपना लिख रही हैं, कुछ भी स्कूल का नहीं है, ऐसे ही कर रही हैं, और टुक टुक इस समय टीवी देख रही है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल शाम को मैं आई यहाँ सुल्तानपुर, भैया छोड़ के जा चुका है, भैया के साथ आई थी, और यहाँ पे रिद्धि है अपने 10th हाउस में, इस समय प्ले टाइम चल रहा है इनका। और सॉरी मैंने आपसे गुड मॉर्निंग बोल दिया, इस समय समय हो रहा है 1 बज रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो इस समय दोपहर हो गया, तो गुड आफ्टरनून, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों गद्दे जो हैं वो धूप में डाल दिए हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक महीने से डेढ़ महीना हो रहा है मेरे ख्याल से, मुझे डेढ़ महीना हो गया यहाँ से गए हुए, तो बहुत बेड्स में सीलन वगैरह आ गए थे और केवल हस्बैंड जी रहते थे, ड्यूटी जाते थे ड्यूटी आते थे, तो आदमी लोग वैसे भी केयरिंग नहीं करते उतना, तो इस वजह से मुझे बहुत काम पड़ गया था। और ढेर सारे कपड़े हैं जो कि कल शाम को मैं आके धुली थी, और जितने कपड़े मैंने धुले हुए थे कल शाम को सारे यहाँ पे मैं ला कर के रख दी हूँ, बाकी सूख गए हैं, बाकी धुलने के लिए मैंने डाला है। जब से आई हूँ बहुत काम है, बहुत चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे जो रिद्धि ने, टुक टुक ने जो पेंसिल से गोजा गाजी मचाई थी, वो पेंट भी कराए हैं खुद से, हस्बैंड जी ने कर दिया, क्योंकि लिखा लिखा अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, मेरा पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मुझे ये सब कॉर्नर भी साफ़ करना है क्योंकि धूल सब सब चीज़ों पे धूल पड़ जाती है ना, जब इतने दिन लंबा वक्त रहे कमरा बंद रहे। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये नया दरवाज़ा लैट्रिन वाले में लगवाए हैं पतिदेव जब हम नहीं थे, और ये नीचे का जो आपको दिख रहा है पोर्शन, जो ये हमारा नहाने का जगह है, यहाँ पे भी उन्होंने इस तरीके से ये बनवा दिया है, थोड़ा ऊँचा करा दिए हैं। और इधर मेरा किचन है, सब फैला हुआ है, सब क्लीनिंग करनी है, मैंने लंच बना के रख दिया था, और ढेर सारे कपड़े हैं। बाकी आपको ड्रम पहले ऐसे दिखता था, तो ड्रम देखिए एक के ऊपर एक करके इस तरीके से उन्होंने बना दिया है, और टीने भी पूरे बंद करा दिए हैं, बताया था मैंने आपको टीने वगैरह सही कराने थे। और इतने कपड़े मैंने भी देखे, आपको मैं दिखाती हूँ, सब यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, कुछ सूखने के लिए धुल के डाला है, कुछ इधर मैंने डाला हुआ है, इधर मैंने डाला हुआ है, तो काफ़ी कपड़े वगैरह मैंने धूप में डाले हुए हैं। तो अब नहा ली हूँ मैं, और नहा के बच्चे को भी सुबह नहला देते थे, हस्बैंड जी भी ड्यूटी जा चुके हैं इस वक्त। अब मुझे काम करना है, काम क्या, सबसे पहले भूख लग गई है, नाश्ता किया था सुबह, सिंपल ब्रेड चाय नाश्ते में हम लोगों ने लिया था। तो इस वक्त मैं सोच रही हूँ कि लंच कर लेते हैं, तो लंच में मैंने बनाया है दाल चावल कद्दू की सब्जी और रोटी, ये है हमारा बहुत सिंपल लंच। और इस समय रिद्धि खेल रही हैं, तो मैं करूँगी लंच, फिर देखते हैं आज का डे कैसा जाता है। जब आप कहीं बाहर से आते हैं ना, तो बहुत ही अस्त व्यस्त रहता है, यहाँ से भी मैंने कपड़े वगैरह निकाले थे जो आपको खुला हुआ दिख रहा है, तो बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा फैल जाता है। और बेड्स में भी स्मेल आने लगी थी, जैसा कि मैंने बताया मेरा कमरा सीलन वाला है, आप लोग अच्छे से जानते हैं अगर जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं शुरू से। बाकी अभी तो काफ़ी क्या मैं बोलूं, जब रूम आप खाली करके कहीं जाते हैं ना, तो और ज़्यादा स्मेल और गंदगी हो जाती है, पता नहीं कहाँ से हो जाती है, खूब धूल की परतें बढ़ी हैं। अभी अलमारी वगैरह भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा, तब ये सोचती हूँ कि गई क्यों थी, लेकिन जाए भी ना मन भी तो नहीं मानता है ना कि ना जाओ, इसी घर में पड़े पड़े पांच महीने बहुत ज़्यादा वो हो गया था। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ, और अब हम लोग एक महीने बाद ससुराल जाएंगे, प्लानिंग हो रही है ससुराल जाने की, देखिए फिर क्या होता है। सब चीज़ें मैंने कर ली हैं, और लाइट का थोड़ा सा कनेक्शन धीमा तेज ऐसे हो रहा है, तो देखते हैं। तो मायके से आने के बाद फिर से कुछ भी हो, अपना घर है, आने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ की यादें और बच्चे, मेरी टुक टुक कल आई थी, आज सुबह कह रही थी कि मासी के पास जाना, उनको बड़ा याद आ रहा था वहाँ का, क्योंकि वहाँ पे खुला था, आप लोग देखे होंगे मेरे मायके का ब्लॉग, काफ़ी फ्रीडम था बच्चों के लिए वहाँ पर, और यहाँ दो ही कमरे बंद बंद हो सकता है ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ा बच्चों को एडजस्ट करने में समय लगेगा, फिर हो जाएंगे एडजस्ट। बाकी स्कूल खुलने का तो अभी कुछ पता नहीं है, तो फिर चलिए चलते हैं, देखते कैसा जाता है, अभी आगे का डे बहुत काम है। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह समेट रही हूँ जो मैंने धुल के डाला हुआ था, बाकी और बाहर अभी डला हुआ है, और अभी बेड वगैरह भी लाऊंगी मैं अंदर, पहले ये जो कपड़े हैं मैं सारे समेट लूँ। तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि किसके पति ऐसा करते होंगे जब पत्नी नहीं रहती है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कुछ घर में चेंजेस कर देते हो, मेरे पति है ऐसा है, जब भी मैं यहाँ नहीं रहती हूँ कुछ ना कुछ वो कर ही देते हैं चेंजेस, तो किसके पति ऐसे हैं जो ऐसा करते हों, पत्नी के ना रहने पर ऐसा करते हों। काफ़ी चीज़ें उन्होंने ठीक कर दी थी घर में, पीछे साइड जो पानी वगैरह चूरा था ऊपर टीना, उसको लगा दिए हैं, लेकिन अभी बारिश होगा तब पता चलेगा कि टीना कितना सक्सेसफुल है कि नहीं है।
तो यहाँ पे मैं चादर वगैरह लगा रही हूँ, बेड लाके मैंने लगा दिया है और टुक टुक रिद्धि अपने में मस्त हैं। तो ये लोग ऐसे ही मस्त रहते हैं और मैं भी अपना काम करती रहती हूँ, ऐसे ही चलता रहता। तो जब बेड वगैरह को, गद्दे वगैरह को धूप दिखाता हूँ ना, तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैं जब आई हूँ यहाँ पे तो इतनी गंदगी निकल रही है, सीलन वाले कमरे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसमें पपड़ी छूटने लगता है। और जब से हमारे यहाँ समरसेबुल लगा हुआ है, दो बिल्डिंग का एक ही में समरसेबुल लगा है, तो दोनों बिल्डिंग में पानी जाता है, तो तब से पानी इतना ज़्यादा लगने लग गया कि आपको सामने दीवार पे देखिए कितना ज़्यादा पसीजता हुआ पानी दिख रहा है, जहाँ फ़ोटो फ्रेम वगैरह सारा लगा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत चूना झड़ के निकला था। अभी तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड जी ने पेंट कराया है, पति देव जी ने, नहीं तो इससे पहले मैं बताऊँ एकदम झड़ गया था वहाँ का। ये तो अभी हाल ही में उन्होंने अलग से पेंट ला कर के उतना एरिया पेंट किया है, तो खुद ही कर लेते हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने तकिए के, सॉरी, सोफ़े के जो कुशन कवर्स हैं वो सब भी मैंने धुला था, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वो सब। तो पति देव ड्यूटी कर रहे थे और उनको बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था, तो चादर वगैरह ये सब धुलना, एक बार उन्होंने बेडशीट चेंज की थी मेरे ना रहने पर। वैसे भी पुलिस वालों की जो ड्यूटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जी बिल्कुल समय नहीं निकल पाता, तब भी उन्होंने इतना सब घर में चेंजेस कर दिया पीछे आंगन में। मैं बहुत खुश थी ये सब चीज़ें देख करके। तो यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं और रिद्धि देख रही हैं कि कैमरा ऑन हो गया है, तो इनकी नौटंकी शुरू हो जाती है, नौटंकी। तो यहाँ पे ये इनका टेंट हाउस है, इनकी मासी ने इनके लिए ख़रीदा था, एक साल पुराना है ये टेंट हाउस, पिछले साल ख़रीदा गया था, या एक या डेढ़ साल हो रहा है, फट भी गया है, तो हम लोगों ने निकाल के लगा दिया कि अब बच्चे बड़े हो गए तब खेलने लायक है। तो इस वजह से उस टेंट हाउस को जो फटा है उसको सिलना भी है। तो इधर मैं बच्चों के लिए दूध लेके आई हूँ और मैं चाय पी रही हूँ अपना, तो यहाँ पे चाय बना के मैं अपना पी रही हूँ। शाम के इस वक्त 4:30 बज गए हैं, सारा काम करते करते 4:30 भी नहीं हो रहा होगा, इससे ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों से बात करते करते और यही सब बातें हो रही हैं, टुक टुक कई चीज़ें पूछती रहते हैं, बच्चे भी कुछ भी मन में क्वेश्चन आता है तो पूछने लगते हैं, तो वही सब बातें हो रही हैं। तो चाय पीते पीते मैं यहाँ पे बच्चों से बात कर रही हूँ, उसके बाद रिद्धि को मैं थोड़ा सा होमवर्क वगैरह करा दूँगी, क्योंकि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो यहाँ पे कई चीज़ें मन में सवाल आता रहता है ना, कि शाम की जब चाय लेके बैठो तो कि शाम को खाने में क्या बनाना है, ये सब भी मन में चलता रहता है, देखते हैं कि क्या बनाते हैं। वैसे पति देव जी कह रहे थे कि शाम को आएंगे तो सब्जी लेते आएंगे, नहीं तो, क्योंकि कोई सब्जी अभी है नहीं घर में, तो देखते हैं शाम के डिनर में क्या बनाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी ज़बरदस्त ठोक दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो एक हौसला बढ़ता है। और यहाँ पर रिद्धि अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, थोड़ा बहुत पढ़ेंगी। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।